मेरे साथ मेरे पीछे ये 30 गर्ल्स खड़ी हैं जिनको मैं सेल्फ डिफेंस सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। समाज के लिए ना आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। राजनेता, नेता, अभिनेता, ये दो लाइन आपको आके बोल देंगे, वो आपके घर पे 24 घंटे तो नहीं खड़े होंगे, आपके समाज में तो खड़े नहीं होंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को प्रबल बनाना होगा, सबल बनाना पड़ेगा, फाइटर्स बनना पड़ेगा, अपनी लड़कियों को फाइटर बनाना पड़ेगा, अपनी लड़कियों को काली माता बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसे दरिंदे आए तो उनका सर नोचना भी जाने। नमस्कार, सभी का स्वागत है जनता जनार्दन में, और आज एक बहुत खुशी की बात है। पीछे देख सकते हैं आरव टाइकांडो एकेडमी, आज इसका उद्घाटन हुआ है और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत देख सकते हैं ये अरविंद है, और इनके प्रोजेक्ट को मैंने दिखाया था पिछले जनवरी में। इन्होंने एक मुहिम ले रखी है जो कि इन दिनों खासकर बलात्कार को, चाहे लड़की लड़कियों को जिस प्रकार से दिल्ली NCR हो, चाहे भारतवर्ष में जिस प्रकार से मानसिकता से पुरुष वर्ग के लोग देखते हैं और छेड़ाखानी हो और बलात्कार हो, इस प्रकार से वारदातें दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है, इस कड़ी को तोड़ने के लिए खासकर अरविंद ने आरव टाइकांडो एकेडमी के माध्यम से कैंप लगाया था और कैंप काफी सक्सेसफुल रहा। देवली विधानसभा से सैकड़ों लड़कियां आए थे और यहां पर ट्रेनिंग भी लिए, और आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कोविड में काम नहीं हो पाया था, कोविड थोड़ा सा माहौल अभी ठीक है, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं अरविंद के, अरविंद और इनके फैमिली मेंबर। और सबसे बड़ी बात है सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से स्पॉन्सरशिप मिली है इनको, और जो कि सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से जो आए हैं और जो इसके संस्थापक हैं अभिषेक सिंह जी, जिनको आप जानते हैं राशन मैन में कहूंगा इनको, क्योंकि इन्होंने लगातार कई लाख रुपए का राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और गरीब जनता को जहां पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद मांगता है तो सेवियर फाउंडेशन को माध्यम बना के अभिषेक सिंह जी पूरे भारतवर्ष में अनेकों राज्यों में मदद करते हुए आ रहे हैं। और इस कड़ी को आज आरव टाइकांडो एकेडमी को उद्घाटन के समारोह पर आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। थैंक यू सो मच जनता जनार्दन की टीम, मैं आपको अगेन अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता, राजनेता और बड़े बड़े NGO की कवर अप के लिए तो बहुत सारे पत्रकार आ जाते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है कि आज एक छोटे से मेरे छोटे भाई जो आज इतनी अच्छी इनिशिएटिव लिया है लड़कियों को जागरूक करने के लिए, लड़कियों को बलवान बनाने के लिए, क्योंकि आज से अगर हम 4,000-5,000 जब हमारी दुर्गा माता, चंडी माता, कलरात्रि माता वहां पे, उस समय में भी लड़कियों का आप अलग अलग रूप देख सकते हैं जो आज हमारे समाज से गायब होता चला गया, इसके लिए मैं अरविंद भाई को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूं और मुझे इक्विपमेंट की और कुछ सामान के लिए मुझे आपकी मदद की रिक्वायरमेंट है, मैंने बिना सोचे समझे मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई आए कोई ना आए मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। सेवियर फाउंडेशन हमेशा अपने समाज के लिए आगे रहे, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए आगे रहे, तो मैंने अरविंद भाई को पूरी आश्वासन दिया था कि जो भी आपका खर्च होगा, जितना भी होगा, वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग, और इसी इनिशिएटिव के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ, और आज चीफ गेस्ट बना हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं एक और चीजें बोलना चाहूंगा, आज संगम बिहार के लिए अभी आपने देखा होगा राबिया, अमानवीय व्यवहार हुआ उसके साथ, रेप हुई है, उसको मर्डर कर दिया गया, बता भी नहीं सकता इतनी घिनौनी चीजें हुई है, और ना एक राबिया की बात नहीं है, मैं जहां पे रहता हूं, मैं भी न्यू अशोकनगर में रहता हूं, हमारा सेंटर न्यू अशोकनगर में, हमारी ट्रस्ट का, हमारे जस्ट बगल में त्रिलोकपुरी में 9 साल की बच्ची को रेप कर दिया जाता है, 4 लोगों के थ्रू मर्डर कर दिया जाता है, फिर 10 दिनों के बाद एक 6 साल की बच्ची को उसके पड़ोसी ने रेप कर दिया। इन तमाम चीजों से बड़ा आक्रोशित हूं मैं, दिल दुखता है कि मैं किस समाज में रह रहा हूं, किस समाज की कल्पना हमारे हमारे गुरुओं ने, हमारे पेरेंट्स ने किया था, हमारे बड़े बड़े जो लोग थे वो किया था, आज हम धीरे धीरे इसको, अपने मूल्यों को हम खोते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यंगस्टर अरविंद जैसा हो, कुछ इनिशिएटिव लेना है अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ताकि बहुत महिलाओं को, बहुत लड़कियों को ये मजबूत बना सके, ताकि ऐसे जो भी नपुंसक, मैं उन जो भी हराम जो भी हरामियों ने जो ऐसे कर्म को किया है वो नपुंसक है, उन्हें मैं, वो मर्द की कैटेगरी में तो नहीं है, क्योंकि मर्द तो वो होता है जो अपनी माताओं, अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, उनकी 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 इज्जत को बचाने का काम करते हैं, उनको ढक के चलते हैं, लेकिन जिन्होंने भी किया, और मैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से और दिल्ली पुलिस से, जितने भी रेप हुए हैं इस दिल्ली में, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उन दरिंदों को फांसी पे चढ़ाई जाए, ये सेवियर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते और एक
एक इंसान होने के नाते मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनके कार्रवाई किया जाए, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए, कोई सजा नहीं दी जाए। है ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से घिनौना वारदात आप कितने देखेंगे, कितना सहेगा ये समाज, ये आज सोचने वाला विषय हुआ है। मगर इस कड़ी को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, दिल्ली विधानसभा में अगर आप रहते हैं तो बिल्कुल करीब बांध रोड पर ये देख सकते हैं गली और तमाम डिटेल्स अरविंद से ही जानकारी जुटाते हैं। अरविंद आज क्या कहोगे आप, आपके माध्यम से थोड़ा आगे आ जाओ, क्या कहोगे आज सेवियर फाउंडेशन के अभिषेक जी आए हैं और आंटी आप आगे आए, आप रहें कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कहना चाहोगे इनके माध्यम से, आपने खोला है, क्या लक्ष्य है आपका? बस मैं तो सबसे पहले भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे चीफ गेस्ट बन के आए हैं, और खासकर जनता जनार्दन भैया को तो दिल से शुक्रिया है कि वो हर बार मेरे पीछे खड़े रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी क्राइम चल रहा है उसको जब तक मैं हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी रोकने की। और फिलहाल ही अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले साहब एक केस हुआ, बहुत गंदा केस हुआ, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पहुंच चुका है, ये सबसे बड़ा क्राइम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि गुजारिश करूँगा कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई में फांसी की सजा दी जाए, और जहाँ तक कि जब तक मैं हूँ दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को ट्रेनिंग देता रहूँगा, जितनी मेरी आवश्यकता है जहाँ तक मेरी सपोर्ट है वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, जो मेरे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये बांध रोड आस्था पब्लिक स्कूल नियर बाय बेसमेंट में अकेडमी खुली है, आर एफ टैकोंडो अकेडमी, गली नंबर 14 में आर एफ टैकोंडो अकेडमी के माध्यम से अकेडमी खुली गई है, वुमेन्स और गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। तो आंटी आपके बेटे के माध्यम से समाज के लिए, और आप तो महिला हैं, आपके बेटे के माध्यम से महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सोच रख के आज उसको धरातल पर उतारा है, और आज एक एकेडमी खोल के बच्चों को सिखाने के लिए, महिलाओं को सिखाने के लिए तत्पर है आपका लड़का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आप लोग की दुआ से हमारा लड़का आप लोग के माध्यम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और आप लोग की दुआ हर समय आप लोग के साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ देंगे अभिषेक जी। और क्या कहना चाहेंगे आपका, क्या कहेंगे और इनकी माताएं और ये जिस प्रकार से ये लड़का काम कर रहा है समाज के लिए, और क्या मैसेज रहेगा रमेश जी? सबसे पहले तो मैं ऐसी माँ को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया, जिनकी सोच इतनी अच्छी है। अपनों के लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना इस दुनिया में सबसे बड़ा टफ काम है, बहुत टफ है, क्योंकि भीड़ लानी हो, लेकिन जब कुछ आप अच्छा काम करते हो बहुत कम लोग होते हैं आपके पीछे में जो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे फाइनेंशियल की बारी आती है सब लोग आपसे पीछे मुड़ जाएंगे। मैंने अरविंद छोटे भाई को मैंने यही आश्वासन दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे पास आए हो एंड हम करते रहते हैं ऐसे काम। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है इस जगह पे आके, और मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ, और मैं उनको अभी हमारी ट्रस्ट के थ्रू मैं उनको सम्मानित भी करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे हीरे इस इंडिया में बहुत कम है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए एज ए सीनियर, एज ए ब्रदर, और सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर कोई यंगस्टर देख रहे होंगे, जितने भी आपके अब दर्शक, जो भी आपके आपकी जो रीच है आजकल मैं देख रहा हूँ जनता जनार्दन की रीच 1 मिलियन 2 मिलियन तक जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। 2 मिलियन लोग आज अरब टाइक्वांडो अकेडमी को देखेंगे, सेवियर फाउंडेशन के इनिशिएटिव को देखेंगे। मैं उन सबसे बोलना चाहूंगा कि जहां कहीं पे भी हो, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है, लड़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप राजनेता के भरोसे पे, आज आप पुलिस के भरोसे पे बैठ के अगर सोचोगे कि बहन और माँ की रक्षा हो जाए तो ऐसी होने वाली नहीं है। आपको अपने समाज के लिए ना आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। राजनेता, नेता, अभिनेता, ये दो लाइन आपको आके बोल देंगे, वो आपके घर पे 24 घंटे तो नहीं खड़े होंगे, आपके समाज में तो खड़े नहीं होंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को प्रबल बनाना होगा, सबल बनाना पड़ेगा, फाइटर्स बनना पड़ेगा, अपनी लड़कियों को फाइटर बनाना पड़ेगा, अपनी लड़कियों को काली माता बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसे दरिंदे आए तो उनका सर नोचना भी जाने। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया, और वी विल बी ऑलवेज देयर विद माई ब्रदर अरविंद। वेरी गुड सर। क्या नाम है सर आपका, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम अमित राठौर है और मैं सेवियर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि संगम बिहार में हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को राशन प्रोवाइड करना और बहुत सारी और भी इनिशिएटिव लिए हैं। और आज जैसे ही लाइक अभिषेक जी को पता चला कि एक अरविंद भाई है जो हमारे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक लेडीज और लड़कियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे टाइक्वांडो, ताकि जो एक बच्ची के साथ हुआ साबिया के साथ, वो बाकी और लोगों के साथ ना हो। तो
मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा कदम उठाया, जिससे मैं सोचता हूँ कि यहाँ के आसपास की बहुत सारी जो नारी हैं, जो वुमेन्स हैं और जो गर्ल्स हैं, एटलीस्ट वो अपने आप में सशक्त बनेंगी और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट वो लड़ सके। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम पूरे दिल से और मन से इनके साथ में हैं। जो भी सपोर्ट मिलेगा तो सेवियर फाउंडेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से आरव ताइक्वांडो एकेडमी को किया जाएगा। बढ़िया, और लोग भी। जी 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 सर जी, एक्चुअली मैं भूल गया था जी, आरव ताइक्वांडो अभी आप तो मेरे रिहाब सेंटर पे गए हो, हमारे पास भी बहुत अच्छा जगह है और जिस जगह से मैं हमारी ट्रस्ट चलती है वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत स्कूल्स हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि आरव हर सैटरडे को, मैं उनको बुलाऊंगा और हर सैटरडे को एक दिन अपने उस एरिया में, क्योंकि त्रिलोकपुरी में इस महीने में 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, मैं चाहूंगा कि आरव वहां पे आए और ऐसी बहनों को सशक्त करें, ऐसी बहनों को मजबूत बनाए और उनका हमें भी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सपोर्ट मिलेगा और हम अपने पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। स्वागत सर, क्या नाम है? जेसी पटेल। पटेल जी, क्या कहेंगे आप ये कार्यक्रम में आए हैं, एक यंग लड़का एक अच्छी इनिशिएटिव लेके, समाज की बहुत जरूरी इनिशिएटिव है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों से बात, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, परिवर्तन तभी आता है जब स्टेप लिए जाते हैं। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक छोटा सा लड़का अभी अरविंद, और उसने इतना बढ़िया अपना प्लानिंग करके, जिसमें सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से ये अपना ओपनिंग कर रहे हैं, और हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में ये अपनी जो भी उद्देश्य है इनका, उसको अच्छे से पूरा करें और इनको देख के और भी लोग इनसे प्रोत्साहित होकर समाज में ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास करें जिससे कि हम जो हमारे पूर्वजन, हमारे वेद ऋषि जो कल्पना कर गए हैं, जो विश्व गुरु का उदाहरण दिया जाता है जो इंडिया को, उस तरफ हमारा एक स्टेप आगे बढ़े। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं जनता जनार्दन के माध्यम से, कि दिवाली के टाइम मैं एक ऐसे एसोसिएशन संगम बिहार का बनाऊंगा और उसमें कम से कम 50 से 100 एनजीओ को इन्वाइट करूंगा, और जो संगम बिहार, सिर्फ संगम बिहार मेरा उद्देश्य है, मुझे संगम बिहार एशिया की सबसे बड़ी रूरल कॉलोनी है, काम करने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल एरिया है, तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे शिक्षा ले हो, चाहे स्वास्थ्य लो, चाहे इस ढंग के कार्यक्रम जितने भी लीजिए आप, सबके लिए बिल्कुल संगम बिहार एक बहुत उपयुक्त जगह है। और मैं खास करके अपने, मैं इनको अपना बेटा ही समझता हूँ, ये अभिषेक जी, इनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सिर्फ एनजीओ वाले आजकल एनजीओ के नाम पे अपना गणित करने के लिए ज्यादा वो हैं, निस्वार्थ भाव से समाज को देने के लिए ऐसे अभिषेक जैसे बच्चे की जरूरत है। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगी, सेवियर फाउंडेशन और जनता जनार्दन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माध्यम से हम ये सारा जितना भी चीज है ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों के लिए एक इनिशिएटिव, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप उन संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद, जो मेरे बेटे की तरह है, बिल्कुल बेटा ही है मेरा, समझो ये, इसने ऐसा कदम पहले भी करा है, ऐसा काम करा है जिससे कि लड़कियों अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनको मिले और आगे बढ़ने की, अपना बचाव कैसे करेंगे, कैसे बचाव करेंगे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं जितना हो सकता है औरों को बताऊंगी भी कि ये फ्री है, यहाँ पर जितना हो सकता है मैं इसका प्रचार भी करूंगी कि जितनी लड़कियाँ हो सकती हैं, जितना संगम बिहार की, वो आए और यहाँ पर अपना सीखे। मेरा नाम राधा है जी, और सर मैं इतना ही कहती हूँ कि जो ये अरविंद है बेटा, ये हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये एक एकेडमी खोल रहा है, मूवमेंट चला रहा है, और धन्यवाद करती है अभिषेक भाई का जो इनका साथ दे रहे हैं। इसके लिए सभी से हमने बात की और आज आरव ताइक्वांडो एकेडमी के माध्यम से एक जबरदस्त इनिशिएटिव खासकर महिलाओं के लिए, संगम बिहार निवासी जितने भी ये महिलाएं हैं और यंग स्टेज की लड़कियां हैं चाहे छोटे हैं, 5 साल से लेके 50 साल तक कोई भी महिला वर्ग के व्यक्ति आए और महिला श्रेणी से जो ताल्लुकात रखते हैं यहाँ पर आए, आरव ताइक्वांडो एकेडमी बांध रोड पर आस्था पब्लिक स्कूल वाली गली में, आप आइए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप लोग किस प्रकार से अपने मजबूती लेकर के आएंगे और समाज में इनिशिएटिव लेंगे और खासकर पहचानना सीखें, अगर समाज में आप चल रहे हैं महिला हैं तो आप सामने वाले
व्यक्ति को यानी कि पुरुष वर्ग के कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, उसकी मंशा को, उसकी दशा को, दिशा को, उसके लक्ष्य को, उसकी निगाह को समझे, तब आप समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है या आप उसे रोक पाएंगे।